अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नव्या को कुछ हो गया ना तो मैं क्या करने वाला हूँ ये मैं भी नहीं जानता, बस इतना बोल देना चाहता हूँ कि नुकसान दोनों तरफ का होगा। अगर मैंने अपनी बहन को खोया तो तुम्हें भी किसी अपने को खोना होगा। आंसू के बदले आंसू, दुख के बदले दर्द, सब सूद समेत वापस करूंगा मैं तुम्हें। ये है इनकी असलियत युग, ये है इनकी असलियत। धमकी दे रहे हैं मुझे युग, नव्या को कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगी, तू बस ये शादी कर ले जल्दी। बस अब और नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। किधर है, यही तो बताया था। जी, कलाई मोड़ दी मेरी। नव्या के विश्वास का फायदा उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये मुझे जीजी, क्या कर रही हो? अरे अरे जीजी, ऐसा है जीजी, सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको किसी को कोसना होता है तो आप मुझे कोसती हो। इस लॉकर में जो गहने पड़े हैं ना, वो शुभ के माँ के, इस घर की बड़ी बहू के हैं। ये लॉकर उन्हीं के बेटे के सामने खोलेगा। बहुत हो गया सम्मान जीजी, अगर प्यार से नहीं मिलेगा तो छीन कर लूंगी, क्योंकि इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी और का। इन गहनों पर तुम्हारी नजर तक नहीं पड़ने दूंगी। कैसे नहीं पड़ने देंगी मेरी नजर? तो मुझे आप मुझे दीजिए। क्या कहा तुमने? ये सब कैसे कर सकते हो तुम? और मेरी बहन रिया का क्या? ये सब सोचा तुमने? I'm sorry, मैं रिया से प्यार नहीं करता। कैसे करता हूँ? और अगर मेरी शादी रिया से हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर नव्या से मेरी शादी हुई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? खुश भी तो रह सकता हूं ना उसके साथ, ताई। जैसा तुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत अच्छी लड़की है ताई, मैं उसको प्यार करता हूं, उससे प्यार करती है ताई। एक बार मान जा प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं ताई, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं प्लीज ताई, मुझे नव्या के पास जाने देता है। एक बार अपनी भाई की खुशी के लिए मान जाता है। नहीं, ताई, 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 मान जा। ये मजाक चल रहा है क्या? इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद मैंने शादी के लिए हाँ की, और अब तुम मेरी बहन को छोड़कर अपना घर बसाना चाह रहे हो? मुझे तो तुम पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैं उसी समय जीजा है वो मेरा, मेरी बहन का होने वाला पति, वृंदावन फूड लिमिटेड का नया होने वाला पार्टनर। उस पर हाथ उठाने से पहले अपना अंजाम सोच लेना।
तोड़ दो सब कुछ। ताई, ताई चुप क्यों है ताई? प्लीज ताई कुछ तो बोल ताई। ताई प्लीज मान जा, ये सब रुक जाएगा, देख सब घर बर्बाद हो रहा है ताई। ताई प्लीज, ताई मैं नव्या से प्यार करता हूँ, मैं नव्या से प्यार करता हूँ ताई। भाई पापा के बिना पाला है मैंने तुझे। जब बचपन में तुझे स्कूल जाने से डर लगता था तो मैं घंटों घंटों स्कूल के बाहर तेरा इंतजार करती थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे हिम्मत दे सकूं, ताकि तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके, तेरा डर निकल सके। तो पढ़ लिख कर जिंदगी में आके बढ़ गए, मगर मेरा क्या? मैं तो घंटों घंटों तेरा इंतजार करती रही ना, पर मैंने कभी सवाल किया? बोल, मैंने कभी सवाल किया तुझसे? सवाल किया कभी तुझसे मैंने? ऐसी बात नहीं है ताई। तूने क्या किया मेरे साथ? सबके सामने बेइज्जत कर दिया तूने अपनी ताई को। ताई नहीं करा मैं। इतनी खुश थी मैं कि जिस कंपनी में मैं छोटी सी मामूली सी वर्कर थी, उस कंपनी में मेरा भाई मैनेजर था। इतनी खुश थी मैं। नहीं, नहीं। क्या किया तूने? हाँ, क्या किया तूने? सबके सामने बेइज्जत कर दिया, पूरे परिवार को बेइज्जत कर दिया तूने। देख उसे, देख उस लड़की की तरह, धोखा दिया तूने उसे। तू मेरा युग नहीं है। नहीं, तू मेरा युग नहीं है। नहीं ताई, ताई ऐसा मत बोल ताई। ताई, ताई मैं तुम सबको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता ताई, पर मेरा दिल। तेरा दिल? मैंने तुझे कितनी बार पूछा था युग, एक बार नहीं कई बार पूछा था तुझसे कि अगर तेरे दिल में तेरे दिमाग में कोई भी सवाल है तो तू अपनी ताई को बता। तुझे एक नहीं, तुझे कई मौके दिए थे मैंने, पर तू कुछ नहीं बोला। आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता था। निराश? तो अब क्या किया तूने युग? निराश नहीं किया है मुझे, पूरे परिवार को, अशोक के परिवार को? शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए तुझे युग। सर, आज आप जीत गए सर, आप जीत गए। इसलिए नहीं क्योंकि आप काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अभी हैं, पावरफुल है, और मैं पागल हूं। एक पागल लड़की जिसे यह लगता है कि वो रिश्तों के बलबूते पे इस दुनिया को जीत लेगी। ताई, ताई। गलत थी मैं गलत थी सर, आप सही हैं। इसे यहां से ले जाइए सर। ताई नहीं, ताई। इसे यहां से ले जाइए। ताई रुक जा यहां से, तेरी ताई तेरे लिए मर गई है। अब आज के बाद तेरा इस घर से या मुझसे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। ले जाओ इसे यहां। ताई, शगुन आज जो रिया के साथ हुआ वो सब की जिम्मेदार मैं हूं। मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे मंजूर है। नहीं शगुन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
लेकिन जिस घर में मेरी बहन की बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, उस घर की लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ? अकल खत्म हुई या अब भी बाकी है? कहा था ना तुमसे कि हमेशा शुभ जायसवाल ही जीतता है, और मैं जीत गया। कर छोड़ो, अभी भी एक हिसाब तुमसे करना बाकी है। बदले जैसा ही कुछ समझ लो। मैं तुम्हारा उस डर से एहसास करवाना चाहता हूँ जो आज मेरी बहन को हुआ होगा जब उसने खुद को जलाने की कोशिश की। ये क्या क्या कर रही हैं आप? पागल हो गए हैं आप? यार, तुम्हारे रिश्ते की पहचान है मिस शगुन। जब जब हम दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, ये आग हम दोनों के अंदर जलेगी। सर आग बढ़ रही है। 10 मिनट चलने दो, बाद में खोल देना। क्यों भैया, कहाँ जा रहे हो? हाथ सेकने के बजाय आग को बुझाने जा रहे हो? हाथ खोलने की कोई जरूरत ना है। सर, ये शुभ सर ने बोला था। चलिए, बोलती है ना तो इसके सामने शुभ सर की भी नहीं चलती। मेरी बात मानेगा? चलो पुलिस के पास जाओ, उनसे ये कहे कि शुभ सर के कहने पर तुम उस लड़की को जला के अलग कर डाला। ठीक है सर। कोई है?
शुभ का किस्सा खत्म होने के लिए तुम्हारा किस्सा खत्म होना बहुत जरूरी है शगुन। ब्रजेश जी, थैंक गॉड आप आ गए। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तुम शुभ को तो जानती हो ना, अगर तुम्हारी मदद कर दी तो हमारे भी हालत तुम्हारी तरह हो जाएगी। हमें माफ कीजिए मगर अब हम तुम्हारी और तुम्हारे भाई की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। भाई की क्योंकि जान खतरे में। शुभ सर ऐसा नहीं कर सकते, नव्या युग से बहुत प्यार करती है, वो नव्या के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम शुभ को जानती नहीं, उसने तुम्हें और तुम्हारे भाई को साथ में जीने तो नहीं दिया, पर तुम दोनों को साथ में मरने तो दे। चलते हैं। कोई रास्ता दिखाइए पापा, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए पापा, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। खुश हूँ आप मेरे युग को ले आए ना। अगर तू सारा जहाँ भी मांगती ना तो लाके तेरे कदमों में रख देता। जानती हूँ। चल अब जा, तैयार हो जा। बस अभी आई, दो मिनट में। सब आ गया चाची? बोलो शुभ। ये सब युग के कमरे में पहुँचा दीजिए, लड़की वालों की तरफ से भेंट है। ख्याल रहे, उसे बाहर वाला फील बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नव्या योग से प्यार करती है। बिल्कुल। और नव्या के खुश रहने के लिए योग का खुश रहना बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है। प्लीज जाइए ना जल्दी। ठीक है, आओ भी आओ। या हाँ, आई नो कि बहुत शॉर्ट नोटिस था, लेकिन मेरी बहन की शादी है, आपको आना होगा। ओके या सब तैयार है शुभ? सभी प्रेजेंट्स पे सभी गेस्ट के नाम लिख दिए ना, कोई खाली नहीं जाना चाहिए चाचा जी। बेटा वो सब तो ठीक है, पर तुम इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? नहीं चाचा जी,